हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई चीज़, एक नया इंग्रेडिएंट जो आजकल बहुत स्किन केयर के हवाले से यूज़ हो रहा है। जी, आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो आपके लिए अभी थोड़ी देर में सरप्राइज़ के तौर पर खोल जाए। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँगी। आजकल बहुत इस बारे में बात की जा रही है कि ये एक ऐसा केमिकल है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को पतला कर देती है और आपके रंग को गोरा कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विटामिन ए है, खालिस विटामिन ए। जी, कुछ तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये ना सिर्फ आपकी एंटी एजिंग को कंट्रोल करता है, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाता है। इसके लिए मगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसका प्रॉपर यूज़। जी, इसको 2-3 दिन लगा के छोड़ नहीं देना, लेकिन इसको आपने मुसलसल 3 से 6 महीने यूज़ करना है ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन। जी तो दोस्तों, वो है ये, इसके नाम पे मत जाइएगा, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि इसके अंदर रेटिनॉल सीरम है, और ये रेटिनॉल सीरम कम से कम 0.1 से नीचे होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में हमेशा आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी स्किन को इरिटेशन दे सकता है। तो आपने क्या करना है, 0.1 से लिमिटेड, नीचे लेस देन होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा। और मैं अब आपको इसके फ़ायदे और चीज़ें बताने जाऊँगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ इसकी वाजिब। यही तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको कुछ टिप्स देती चलूँ जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बीच में रोक दिया है। ऐसा हरगिज़ मत कीजिए, इसको रोकिए नहीं, इसको इस्तेमाल करते रहिए। बेशक थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कीजिए, एक कतरा, एक ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस्तेमाल लाजमी रखिए। ये मत सोचिए कि आपको एलर्जी हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है या आपको कोई मसला हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो ये आपको इरिटेट करता है, शुरू में थोड़ा सा इरिटेट करता है, ड्राई स्किन वालों को शायद ज़्यादा इरिटेट करता है, लेकिन आपने इसको जारी रखना है, आपने लगाते रहना है, आप ज़रूर इसके असरात देखेंगे अपने फेस पे और आपको अपना फेस वाकई बहुत अच्छा लगने लगेगा। रेटिनॉल क्या चीज़ है भाई, जो आजकल बहुत फेमस हुआ हुआ है? विटामिन ए है, विटामिन ए से ड्राइव किया गया है रेटिनॉल। आपको ये ज़्यादातर कैरेट में, पोटैटोस में, स्वीट पोटैटोस में और पम्पकिन में मिलेगा, लेकिन के पास इतना टाइम है कि वो इनको बैठ के आराम से खाए? और आजकल तो लोगों की ग़िज़ा वैसे ही बहुत ख़राब हो गई है, तभी तो इतनी स्किन ख़राब होती जा रही है। तो ये वो वही चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को बेहतरीन और लाजवाब बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स। ये आपकी स्किन यानी फाइन लाइंस जो आ जाती हैं आपके चेहरे पे, ये निशान पड़ जाते हैं, लाइनें सी आ जाती हैं, उनको ना सिर्फ ख़त्म करता है, आपके रिंकल्स को ना सिर्फ ख़त्म करता है, बल्कि आपके जो पोर्स हैं उनको भी मिनिमाइज़ करेगा। आपके मसाम छोटे होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े बंद होना शुरू हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल बंद नहीं होंगे भाई, बिल्कुल बंद हो गए तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा और आपको एक बेहतरीन चमक वाली ग्लोई स्किन प्रोवाइड करेगा। ये आपकी एक्ने को, ब्लैक हेड्स को और आपके स्कार्स को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करता जाता है। और क्या करता है ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, यानी आपके स्किन पे जो सेल्स बन रहे होते हैं वो एक वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, ये उनको बूस्ट करता है और आपकी जवानी वाली खूबसूरती को वापस आहिस्ता आहिस्ता लुटाना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि आपके फेस पे डिसकलरेशन होना शुरू हो जाती है, कहीं से आपके फेस का कलर कुछ और लगता है, कहीं से आपके फेस का कलर कुछ और लगता है, तो ये उसको भी इम्प्रूव करता है। ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है, बिल्कुल बेस्ट है, स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन को अपलिफ्ट भी करता है। साथ साथ तो बताती जाऊँ इसके बारे में कि कौन से लोग और कितनी एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, रेटिनॉल कम से कम 20 से अबव यानी 20 से अबव एज के लड़का या लड़की दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो क्योंकि वो टाइम होता है जब आपके सेल्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बनना कम हो जाते हैं या उनका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, तो ये वो वक्त होता है कि आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको एक इरिटेशन सी महसूस होगी, आपको स्किन टाइटनेस महसूस होगी, आपको रेडनेस फील होगी, हो सकता है आपकी स्किन भी हल्की हल्की सी छिलना शुरू हो जाए। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि
ये आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसी फीलिंग लाएगी कि आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपने इसका यूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसको प्रॉपर यूज़ कीजिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हफ्ते में कम से कम आपने इसको 2 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है शुरू में, और आपने इसको दिन के वक्त नहीं यूज़ करना। और अगर आप दिन के वक्त इसको यूज़ करते हैं तो आपको सनलाइट में जाने से पहले आपको सनस्क्रीन, ये लगाने के बाद सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। जी तो दोस्तों, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हों या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ, वो ये प्रोडक्ट ना यूज़ करें या डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें, क्योंकि ये जो है हो सकता है आपके स्किन में कुछ इशू कर दे या बच्चे को कुछ मसला कर दे। तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी है, आप पहले अपने डॉक्टर से प्रिकॉशन लें, प्रिस्क्रिप्शन लें, उसके बाद इसको यूज़ करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये लगाना कैसे है तरीका देख लें आप अच्छी तरह, फिर उसके बाद आप ये मत कहिएगा कि हमें तो लगाना आता ही नहीं है। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरह फेस वॉश से, किसी भी अच्छे से सोप से, ऑर्गेनिक सोप से अपने फेस को वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से डैप करना है, पोंछना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोई सा भी टोनर लेना है, रोज़ वाटर ले लें या कोई सा भी टोनर लें, उसको आप हल्का सा अपने फेस पे स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी मिकदार देख लें कि कितना यूज़ करना है। ये देख लें जी, ये लिक्विडी सा है वाइट कलर का, और आपने इसको बिल्कुल हल्का सा ये और ये बस इतना सा लेना है, और आपने इसको हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे मल लेना है। आपने क्या करना है, आपने लेनी है क्रीम और अपने फेस पे, आपको कोई सी भी क्रीम आपकी स्किन के हिसाब से जो आपको सूट करती है वो लेके लगा लीजिएगा। मुझे ये क्रीम सूट करती है इसलिए मैं ये क्रीम लगाऊंगी। नेक्स्ट जी, मैं आपको बताते चलूं कि ये आपकी आईज के गेट लगाना चाहिए या नहीं। इसको आप लगाएं लेकिन बहुत ही हल्की मिकदार में, ये रेटिनॉल्स की आती हैं अलग आई क्रीम्स, वो भी आप लगा सकते हैं। चलूँ कि आपने ये लगा के सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं करना जी। ये सीरम अप्लाई करने के बाद आपने सूरज के करीब नहीं जाना, या फिर आपने हीट एक्सपोजर यानी चूल्हे के करीब या किसी ऐसी चीज़ हीट के करीब बिल्कुल नहीं जाइएगा जी, नहीं तो ये उल्टा मसला कर सकती है, इरिटेशन दे सकती है। तो आपने क्या करना है, जब भी अगर आप दिन के वक्त लगा रहे हैं तो सन ब्लॉक लाजमी लगाएं, SPF 30 से 60 तक आप लगा सकते हैं, तो इसको ज़रूर लगाएं अगर दिन में लगा रहे हैं। अगर रात में लगा रहे हैं तो आप लगा के आराम से सो जाएं। एक और गुमान बहुत है कि जी हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमारी स्किन तो वैसे की वैसी ही है। ये फ़ायदा देगा, आप लिखवा लें मुझसे, ये फ़ायदा देगा। अगर आपको ये फ़ायदा नहीं तो आप मेरी वीडियो बंद करवा दें, आप मेरे पास आ जाएं अपनी क्रीम लेके, अपना सीरम लेके, मैं आपको पैसे दूंगी, आप बेशक रख लें, मैं वो चीज़ ख़रीद लूँगी आपसे। ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा वक्त आने पे, लेकिन आपको इसको लगाना है प्रॉपर वे में। ये प्रॉपर वे में लगेगा, कम से कम 3 से 6 महीने आपको इसको यूज़ करना है, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। सो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारा फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी कमी महसूस हो रही है, या आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं अच्छा बता रही हूँ या आपको बहुत ही अच्छा गाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे अपनी राय से ज़रूर हमकिनार करें, और मेरी वीडियोज़ देखते रहें ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।